गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने वेक्टर कंप्लीट कर दिया, वेक्टर का टेस्ट भी हो चुका। तो आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पर अब हम इसका कुछ एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। हमारी जो ये यूनिट है, ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की ब्रांचेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर एट रेस्ट और इन मोशन इन एनी कंडीशन। मतलब किसी भी कंडीशन में, अगर वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, और उसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई? वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है भाई? वो किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं? मैकेनिक्स की बता रहे हैं। अगर हम रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब मैकेनिक्स के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की जो स्टडी कर रहे हैं, उसको हम मैकेनिक्स कह रहे हैं। अब मैकेनिक्स के हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, देखिए ध्यान से। एक पार्ट हमारा होता है स्टैटिक्स। एक पार्ट क्या होता है भाई? स्टैटिक्स। इस दूसरा पार्ट क्या होता है भाई? काइनेमेटिक्स। एंड लास्ट जो पार्ट है वो हमारा होता है डायनामिक्स। देखिए ध्यान से, जो स्टैटिक्स है, उस स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, इक्विलिब्रियम। समझ गए भाई? ये कहता है कि स्टैटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कहेंगे? वो स्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, वैसे हमारी इस यूनिट का नाम काइनेमेटिक्स ही है, ठीक है, पर हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब मोशन में हम क्या करते हैं? काफी बार तो हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल कॉज होते हैं, कॉज ऑफ मोशन होता है, उसको कंसिडर कर लेते हैं, काफी बार हम नहीं करते हैं। तो ये कहता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपने अगर इंक्लूड नहीं करना है तो काइनेमेटिक्स है, और अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो फिर डायनामिक्स है। डायनामिक्स भी मोशन ही होता है। हम यहाँ कहेंगे विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल इफेक्ट्स और कॉज ऑफ मोशन। समझ आ गया भाई? और इसी तरह फिर हम ये काइनेमेटिक्स के बाद हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। हमारे आगे जो चैप्टर आएंगे वो डायनामिक्स चैप्टर हैं,
इसमें भी हम क्या कहेंगे भाई, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यहाँ ले लेते हैं स्टडी ऑफ मोशन, मोशन विद टेकिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स और कॉज ऑफ मोशन। समझ आ गया होगा भाई। तो ये हमने आपको छोटी छोटी डेफिनेशन बताई है, पर हम जब रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स की ब्रांच हमने बताई, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई हमें रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। देखिए रेस्ट की डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आप ये कहोगे कि विच डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, हम ये वो कहेंगे An object is said to be at rest. An object is said to be at rest when it do not change its position with respect to observer. With respect to observer, मतलब आपने आपने ये देखना है कि ऑब्जर्व करने वाला कौन है। अगर आपने उसके रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस चेंज नहीं करी तो आप रेस्ट में हो। जैसे कि क्या होता है कि आप चलती हुई ट्रेन में बैठे हो, आपके पड़ोस में दूसरी सीट पर कोई और दूसरा कैंडिडेट बैठा है, अगर आप कोई बाहर खड़ा कैंडिडेट आपको ऑब्जर्व करे तो आप मोशन में हो क्योंकि ट्रेन चल रही है। अब उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखा जाए आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, पर जो आपके बगल में कोई दूसरी सीट पर बैठा हुआ है क्या आपने उसके रेस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को बदला? नहीं बदला, तो आप उसके रेस्पेक्ट में किस में हो? रेस्ट में हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम मोशन की बात करें तो इसी तरह हम मोशन के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, यही लिखना है, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा तो मोशन में माना जाएगा। अगर दोनों ही मोशन में और इक्वल स्पीड से चल रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही माने जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या वो रेस्ट में हो सकता है? तो हम ये बताएंगे कि अगर कोई दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो भी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यू सेम है। ये आपने समझना है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आगे देखिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक बात हमेशा एक याद रखनी है कि मान लीजिए हम तो यहाँ डिस्टेंस की टर्म में ले रहे हैं या लेंथ डिस्प्लेसमेंट इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की और अगर वो डिस्टेंस आपने ये देखा कि उसके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है दैट देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखनी है। आगे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे कि आगे हम 12th क्लास में पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ज के अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, वो अपना फोर्स क्रिएट करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर वो बहुत छोटा है तो हम उसको पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। इसी तरह पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे इफ द डिस्टेंस ट्रेवल travel by object is greater than its size, उसके size के respect में बहुत ज़्यादा distance travel कर लियो
देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। काफी बार हम इसका यूज भी करेंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है भाई, अब देखिए आगे। मोशन की बात कर रहे हैं बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी एग्जांपल्स हैं। पहली बात तो ये, ऑब्जेक्ट मूव्स या ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओनली वन डायमेंशन। केवल एक ही डायमेंशन में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस तरह के मोशन को क्या कह देते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे भाई, कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पर एक कार मूव कर रही है। समझ आ गया? आपने कह दिया ए पेन फ्री ड्रॉप टू ए हाइट एच। एक पेन को आपने या किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से फ्री ड्रॉप कर दिया, तो वो किस में जाएगा, अकेले वाई एक्सिस में जाएगा। तो इस तरह के आप एग्जांपल देकर बता सकते हो। ठीक है, आपने कह दिया मोशन इन टू डायमेंशन, मैं सीधा लिख रहा हूँ मोशन इन टू डी, टू डायमेंशनल मोशन भी आप कह सकते हो। तो टू डायमेंशनल मोशन में हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन इन टू डायमेंशन। मीन्स दैट इज एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स डायमेंशन और वाई, और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, इस तरह से। मतलब दो एक्सिस एक साथ चेंज करते। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा भाई, अब आपसे ये कह दिया जाए लिजर्ड मूव्स ऑन वॉल। जो लिजर्ड है वो एक दीवार पर मूव कर रही है, तो वो दीवार पर दोनों एक्सिस में जा सकती है। वो दीवार पर ऊपर की तरफ भी जा सकती है और दीवार पर एक्स एक्सिस में आगे भी जा सकती है, मतलब वो दोनों पर जा रही है। इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स मूव्स ऑन फ्लोर। फ्लोर के ऊपर इंसेक्ट्स मूव कर रहे हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। मेरी बात समझ गए? इस तरह का मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। मोशन इन थ्री डी, सीधा लिख दूं, ऑब्जेक्ट चेंज ऑल डायमेंशंस दैट इज थ्री डायमेंशन। तीनों डायमेंशन बदल दे, इसका मतलब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, बर्ड्स फ्लाई, जब पक्षी उड़ रहे हैं वो इधर भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, साइड में भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, मतलब हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप काइट की बात कर सकते हो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर आप क्या कह सकते हो भाई, काइट फ्लाइंग इन विंडी डे
हवा चल रही है तो पतंग कभी इधर जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी आगे जाएगा, इस तरह आगे पीछे तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो या फिर आप बात कर सकते हो, एरोप्लेन की भी बात कर सकते हो, तो जो तीनों डायरेक्शन में जा सकता है वो क्या हो गया भाई, थ्री डायमेंशनल मोशन। समझ आ गया भाई? अब हम आपको एक बात करते हैं भाई, हमने अब पढ़ना है भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पढ़ना है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस, हम इन दोनों को एक साथ लेकर ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता दूँगा, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ हमारा टॉपिक शुरू हो गया भाई मेन। तो डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए बॉडी, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, ए पॉइंट है, ए से वो बी पॉइंट पर जाता है, बी से वो सी पॉइंट पर आ जाता है, सी से वो वापस ए पर चला जाता है, यूँ जा रहा है। तो आप अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी तीनों का सम करना पड़ेगा, मतलब ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए चला गया, इन तीनों का सम करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर भी घूम के आए, फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट यूँ कर्व पाथ में घूमा, यहाँ से चला ए, इधर चला गया बी, फिर बी से सी चला गया और फिर सी से ए चला गया और आर रेडियस सर्कल पे गया, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 2πr। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ए से घूमकर वापस ए पर ही जा रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो गया भाई, डिस्टेंस हो गया। अब यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करी जाए, यूनिट क्या होगी भाई, इसकी एसआई यूनिट होगी भाई मीटर, एसआई यूनिट क्या होगी भाई, मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम जीरो भाई लेंथ ही तो है, एल वन टी जीरो। क्वांटिटी कैसी होगी भाई, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी भाई, स्केलर क्वांटिटी होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमने क्या कहा भाई, इसकी यूनिट्स के बारे में बता दिया, इसके क्वांटिटी के बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया। अब आगे हम जिक्र करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है भाई। अगला जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट जिक्र कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से दीजिए एक बात, हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा वेक्टर लगता है। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा क्या लगता है भैया, वेक्टर लगता है। देखिए ध्यान से, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ भाई, हमने ये पढ़ा था और मैंने आपसे जब वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जब हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर हमने आपसे ये बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वो क्या करता है भाई, वो अपनी पोजीशन को बदल देता है। क्या बदल देता है भाई, वो पोजीशन बदल देता है। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट हमारा ए है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा ये हमारा पोजीशन वेक्टर भाई आर वन है। क्या है ये हमारा पोजीशन वेक्टर, आर वन, या फिर ए लिखा हुआ है तो आप आर ए भी कह सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा क्या है भाई, आर बी पोजीशन वेक्टर है। दोनों की पोजीशन मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
ये ध्यान से समझिए, सोर टेस्ट पाथ लेंथ, जैसे कि आपने क्या किया, आप यहां से यूं घूमकर यहां पहुंच गए, आपका इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां है, तो ये कहता है कि आप यहां से यूं घूमकर जा रहे हो, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको ये बताना है कि आप ए से बी के बीच में कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके गए, मतलब आपने ए बी डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है भाई, आपने ए बी डिस्प्लेसमेंट बताना है, मेरी बात समझ गए। जब आप ए बी बताओगे तो ए से बी के बीच में डायरेक्ट जो गैप है, जो डायरेक्ट लेंथ है वो बतानी है, सोल टेस्ट छोटी से छोटी लेंथ बतानी है, तो हमने क्या किया, ए बी वैक्टर लगा दिया, और हम इसको जब ए बी वैक्टर निकालेंगे तो ट्रेंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन वैक्टर में पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी वहाँ पढ़ा था, फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर, मतलब क्या लिखेंगे, आर बी माइनस क्या लिखेंगे भाई, आर ए, बोलो लिखेंगे कि नहीं, पोजिशन वैक्टर ऑफ आर बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ आर ए। अगर आप मान लीजिए इनके पॉइंट भी लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, एक्स ए वाई ए जेड ए, इसके पोजिशन वैक्टर क्या लिखोगे भाई, एक्स बी वाई बी जेड बी, बोलो लिखेंगे कि नहीं। तो ये हमने इनके पोजिशन वैक्टर बता दिए, आप ज़्यादा इनकी डिस्टेंस भी बताना चाहते हो तो आप आर ए की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, ओरिजन तो जीरो 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 होता है, हम क्या लिख देंगे भाई, आर ए वैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स ए आई एक्स वाई ए जे जेड ए के, लिख दिया भाई। इसी तरह फिर क्या लिखेंगे, आर बी वैक्टर लिखेंगे, आर बी क्या लिखेंगे भाई, एक्स बी आई वाई बी जे जेड बी के, लिख दिया भाई। ये तो हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है, अगर हम ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या कहेंगे भाई, आर बी माइनस आर ए, मतलब क्या हो गया, एक्स बी माइनस एक्स ए इंटू आई प्लस क्या लिखेंगे भाई, वाई बी माइनस वाई ए इंटू जे जेड बी माइनस जेड ए इंटू के, मेरी बात समझ आ गई भाई। अब आप ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम सीधा भी बताएं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनटू आई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनटू जे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इनटू के, मेरी बात समझ गए भाई। अब हम क्या कहेंगे भाई, अब ये हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो भी हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ने भी ज़रूरी हैं, क्या कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक किस्म से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लेंथ ही है, डिस्टेंस है, तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे भैया, इसकी यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे तो क्या बताया जाएगा भाई, यूनिट लेंथ ही है, चाहे शॉर्टेस्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट हो, यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई। अगर आपसे कहा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला बताया जाए तो क्या लिखा जाएगा, एम जीरो एल वन टी जीरो, बोलो होगा कि नहीं होगा। और क्वांटिटी के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि हमने आपसे क्या बताया भाई, ये तो वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाएगा क्योंकि ये तो डायरेक्शन के साथ आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात कर रहा है, तो सीधे एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो ये उसकी बात कर रहा है कि कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, समझ आ गया। अब हम क्या कहेंगे भाई, अब हम इनके कुछ और आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं, कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके बीच में डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, देखिए करेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मतलब ये तीनों होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी और जीरो भी। मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ बेटा, आपने क्या किया, ओ पॉइंट से ओरिजिन से आपने राइट चलना शुरू कर दिया, तो हम क्या देखते हैं अपने राइट स्केल में, वन टू थ्री फोर फाइव पॉजिटिव स्केल होता है,
ऐसे आप जा रहे हो, आप किसी ए पॉइंट पर गए, ए से वापस बी तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। अगर आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, या आपका फाइनल पॉइंट इनिशियल के राइट में है, फाइनल पॉइंट इज एट राइट टू इनिशियल। अब आ गया होगा समझ में, इनिशियल पॉइंट के राइट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। आपने कहा कि ये ओरिजिन है, 1 2 3 4, ये ए पॉइंट है, और फिर आप वापस बी पर आ जाते हो, इधर आ जाते हो, और यहाँ पर आप ए बी निकाल रहे हो, तो आपने क्या कहा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये नेगेटिव होगा, ये याद रखना है। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो ए बी लिया जाएगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। इस केस में आपने कह दिया यहाँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आपने क्या कहा इस केस में, फाइनल पॉइंट इज एट लेफ्ट टू इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, इफ या फिर आप ये कह देते हो, यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गया घूम फिर के, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। क्योंकि हम क्या कहेंगे बेटा, ओ ए, इसको हम क्या बताते हैं, एक्स ए बता दें, ओ बी को क्या बताते हैं, एक्स बी बता दें, और ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कहेंगे भाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर आपने क्या कहा भाई, ओ ए बता दिया, ओ ए आपने एक्स ए लिख दिया, ये क्या लिख दिया आपने, एक्स बी। अब आप ए से बी आ रहे हो ना, तो ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स बी है ना, वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स बी, तो पहले ही नेगेटिव है क्योंकि उल्टा चल रहा है, माइनस ऑफ क्या लिख दिया आपने, एक्स ए, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव आ गई, इसमें बोलो आ गई कि नहीं। और अगर आप यहाँ निकालोगे, यहाँ तो सारे पॉइंट ही सेम है, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अब मैं आपको यही बता रहा था कि हम हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट के जो इनिशियल पॉइंट है वो लेफ्ट में है और फाइनल पॉइंट राइट में है, कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर वापस आ गए इनिशियल पॉइंट्स को क्रॉस कर गए तो नेगेटिव होगा, और अगर दोनों पॉइंट सेम हो गए तो जीरो होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पर कभी भी डिपेंड नहीं करता भाई। आप ये कहोगे सर हम ओरिजिन तो यहाँ ले ले, बेशक यहाँ ले लो बेटा, आंसर सेम आएगा। आप ओरिजिन यहाँ ले लो, फिर भी आंसर सेम आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये याद रखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, कभी भी ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद रखना है। जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इक्वल ओनली उस केस में होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। किस केस में होगा? ओनली ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, केवल एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा, वरना हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। एक ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है? क्योंकि जब मान लीजिए आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यूँ गया फिर यूँ गया, ये तो पाथ लेंथ ज़्यादा हो गई, और हमने डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्ट मेजर करना है, तो डायरेक्ट मेजर करेंगे तो ये छोटा आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी था। अगले पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, चलो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, कि ये डिसाइड नहीं करता कि किस पाथ को ट्रेवल किया गया है। अगले पॉइंट के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डू नॉट टेल्स अबाउट पाथ ऑन विच इट ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया है उसको डिसाइड नहीं करता आप कहीं भी जा रहे हो, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है और किसी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक हम ये बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज यूनिक पाथ दैट टेक्स द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। समझ आए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए केवल एक ही पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, एक यूनिक पाथ ही बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो आया कहाँ से है, वो तो बहुत सारे पाथ हैं, उनको तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जब हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उसके लिए हम केवल एक ही पाथ बना सकते हैं, एक से ज़्यादा पाथ नहीं बन सकते। तो ये हमने क्या बताया भाई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो शायद आप इनसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंस लिख सकते हैं। अगला टॉपिक हम स्पीड, वेलोसिटी और इन सब के बारे में हम आपको अगले क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। थैंक यू।